हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या है इसमें देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक मिलने वाले थे, 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा जो मिलने वाले थे, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या कुछ बदलाव है इसका हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नई भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम 5 अंकों का लाभ। क्या न्यूज़ है कि नई जो आगे आने वाली भर्तियां होगी, अभी तक की जो भर्तियां हैं उसमें नहीं है। इसमें कहना ये है कि नई भर्तियां जो भी होगी उसमें आगे सामाजिक आधार आर्थिक आधार पर जो अधिकतम अंक है वो 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या है सारी न्यूज़ हम देख लेते हैं। हर घर में नौकरी की सोच के तहत सरकार ने पहले दी थी 10 अतिरिक्त अंकों के लाभ की सुविधा। सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि सभी ने पहले आपको जो अतिरिक्त अंक मिलते थे वो कितने थे, 10। लेकिन अभी जो सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक मिलने वाले हैं वो 5 ही मिलेंगे। क्या है पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा में होने वाली सरकारी भर्तियों में युवाओं को सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार के तहत अधिकतम 5 अंकों का लाभ मिलेगा, ठीक है। पहले 10 अंकों तक का लाभ देने की व्यवस्था थी, पहले 10 थे, लेकिन अभी कितने का मिलेगा, आगे नई जो भर्तियां होगी उसमें 5 अंकों का। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था का मेरिटो, देखो थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, विद्यार्थी यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि उन्हें अंक लाने के बावजूद उनके लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो अंक लाते हैं, जिनको 10 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते, उनका फिर सिलेक्शन होना मुश्किल था। तो इसी के आधार पर क्या किया गया है कि अतिरिक्त अंकों की सुविधा जो थी वो 5 की दी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर अगर हम न्यूज़ कंप्लीट देखें तो 10 अंकों के लाभ देने की सुविधा इसलिए प्रदान की गई थी ताकि ऐसे युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी हासिल कर सके जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिनके सिर पर पिता का छाया नहीं है। तो 10 अतिरिक्त नंबर थे उसमें क्या था कि जिनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं उनको 5 नंबर, इस प्रकार से टोटल 10 नंबर दिए जा रहे थे। लेकिन अभी वो 10 नंबर क्या रहेंगे, नई भर्तियों में सिर्फ उन्हें 5 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने स्पष्ट किया कि जिन युवाओं ने पहले निकल चुकी भर्तियों में आवेदन कर रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले जो भर्ती निकल चुकी है उनमें आवेदन कर रखा है तो उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत 10 अंकों का ही लाभ दिया जाएगा। पहले जिन्होंने कर रखा है उन्हें 10 अंकों का, 5 अंकों के लाभ की व्यवस्था नई निकलने वाली भर्तियों में रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहले जो भर्तियां निकल चुकी है उसमें जो अंक थे अतिरिक्त वो 10 ही मिलने वाले हैं, लेकिन अभी जो आगे नई भर्तियां होगी उसमें वो 10 की बजाय अतिरिक्त अंक कितने मिलने वाले हैं, 5, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है देख लेते हैं। अब देखो, पूरी न्यूज़ आप पढ़ लेना, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूज़ सबसे बड़ी आपके लिए यही थी कि पहले 10 अंकों का बेनिफिट था, अतिरिक्त मार्क्स जो मिलने वाले थे जिन जिन स्टूडेंट को, ठीक है, वो नई भर्तियों में कितना होगा, 5 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसमें और भी चीज़ें देखें तो देखो, आयोग ने स्वयं सत्यापित दस्तावेज कराने होंगे जमा। यहाँ पर जो न्यूज़ है उसमें देखो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार अगस्त में होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड से जुड़े स्वयं सत्यापित दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये भी एक अलग से न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है, क्या था कि पहले जो देखो, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के दौरान ही तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कागज मांगे जाएंगे। पहले क्या था कि मतलब कुछ लोगों का ये कहना था कि तहसीलदार से वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है, खुद सत्यापित नहीं करना। लेकिन अभी भोपाल सिंह खत्री का ये कहना है कि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड से जुड़े सत्यापित दस्तावेज हैं वो स्वयं सत्यापित दस्तावेज होंगे, वो स्वीकार किए जाएंगे। पहले सिर्फ तहसीलदार का था, लेकिन अभी जो स्वयं सत्यापित होंगे वो भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा यदि अभी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित दस्तावेज मांग लिए गए हैं तो सरकारी कार्यालयों में मारामारी मच जाएगी। क्या होगा कि अभी से अगर
राजपत्रित जो अधिकारी है जैसे कि तहसीलदार, उससे सत्यापित अगर आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एकदम एक साथ वहाँ पर क्या होगा, सरकारी कार्यालयों में मारामारी मच जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक जितनी भर्तियाँ हो चुकी है उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त नंबरों का लाभ हासिल करने वालों की समय जाँच करने वालों की समग्र जांच संभव नहीं है। अगर हाई कोर्ट ऐसे कोई निर्देश देता है तो बात अलग है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो बड़ा बदलाव किया गया है सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम 5 अंकों का, तो उसमें सबसे मेन न्यूज़ जो है वो यही है कि पहले जो भर्तियां निकल चुकी है उनमें सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम 10 अंकों का लाभ मिलता था, लेकिन अभी आगे जो नई भर्तियाँ होगी उनमें सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम अंकों की जो सुविधा है या अधिकतम अंक जो मिलने वाले हैं वो कितने होंगे, उनमें सिर्फ 5 अंकों का लाभ मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ आपके लिए यही थी। जानकारी कैसी लगी एक एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर अच्छी लगे जानकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप हैं नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल और एग्जामपुर मेन यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।